हेलो एवरीवन, मोस्ट वेलकम टू योर ऑन चैनल ब्राइट ऑन। ता जे तुसी भी तैयारी कर रहे हो मैथ मास्टर कैडर दे लई ता जरूर सब्सक्राइब करो इस चैनल नू, बहुत ज्यादा हेल्पफुल होएगा तुहाडे लई। और गल कीती जावे ता बिल्कुल अज आपां स्टार्ट करन लगे अपने टॉपिक नू जिसका नाम है डायनामिक्स, और बहुत इंपोर्टेंट टॉपिक है। 10 से 15 क्वेश्चन इहदे विच बन चुके ने और बनते भी ने। 10 से 15 क्वेश्चन आप कह सकते कि 11-12 के नियर अबाउट क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं। जो हम एग्जाम होकर हटा से 3704 मास्टर कैडर का, उस भी बहुत सारे क्वेश्चन ये देखने को मिले। ठीक है, तो बिल्कुल बहुत एक इंपोर्टेंट जो टॉपिक है और बिल्कुल बेसिक जो है उस तो आप स्टार्ट किया। जो बेसिक वीडियोज नहीं होगी तो हमें मिल जाएगी। ठीक है, और काफी कुछ आप उस स्टडी किया। और जो बेसिक सी ऐदा नहीं है कि हाँ जी जस्ट फॉर्मूलाज कर लो तो जो टॉपिक है वो क्लियर हो जाएगा, ऐदा नहीं हुंदा हुंदा। कई बार ऐसे क्वेश्चन बन जाते हैं जिदे वास्ते तुहानू जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर होना जरूरी हुंदा, क्योंकि मास्टर कैडर है। ठीक है, बेसिक जो क्वेश्चन जरूर बनते हैं बट आपां कॉन्सेप्ट क्लियर होना जरूरी है। उस चीज नूं ध्यान विच रख के तुहाडा जो बिल्कुल बेसिक सी वो क्लियर करन दी पूरी पूरी कोशिश की गई है उन्होंने वीडियोज विच। तां हाले जो तुसीं तैयारी नहीं की जां तुहानू ऐदा लगता कि हाँ जी डायनामिक्स डिफिकल्ट है, जां तुसीं जस्ट बिकॉज ऑफ दिस कि तुसीं साइंस दे स्टूडेंट नहीं हो और तुसी डायनामिक्स दे विच अपने मार्क्स जो ना मतलब कह सकते आप कि सिर्फ इस गल करके अपना बैकग्राउंड साइंस नहीं है और आप जो हाँ साइंस मैथ दे विच जो डायनामिक्स टॉपिक है वो स्किप कर देने हैं, तो वो तुसी एक बार इस वीडियोज नू देखो, स्टडी करके देखो, तुहाडा कल्ला कल्ला कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। ठीक है जी, तो इस तो इलावा जेकर तुहाडा कोई भी डाउट है तुसी टैलीग्राम ग्रुप नू ज्वाइन नहीं किया हाले तक, ठीक है, उस नू कर सकते हो। तुहाडे डाउट्स ने जो ओहदे विच लए जांदे ने, ठीक है, और जो तुहाडा डाउट है तुसी कमेंट सैक्शन दे विच भी मैनू दस सकते हो। टैलीग्राम ग्रुप दे जो डिस्क्रिप्शन दे विच लिंक है वो तुहानू अवेलेबल मिल जाएगा। ठीक है, तो जो बिल्कुल स्टार्ट कर दें। इस तो इलावा अगर गल की जाए जो फर्स्ट चैप्टर है न्यूमेरिकल एनालिसिस, ठीक है, विद टॉपिक विद 100 एमसीक्यूज डिस्कस किया गया। इस टॉपिक दे भी 100 एमसीक्यूज आप डिस्कस करांगे। एक बार इस टॉपिक नू क्लियरली डिस्कस कर लिए, समझ लिए चंगी तरीके नाल, अज अपना जो आप ये कह सकते हैं कि जो इस टॉपिक का फर्स्ट सब टॉपिक है वो अज आप कंप्लीट कर लवेंगे और नेक्स्ट वीडियो दे विच अगे वधांगे, अगे जो चीजा ने उन्हां नू डिस्कस करांगे। ठीक है, तो अजी बिल्कुल स्टार्ट कर दे इस टॉपिक नू जिसका नाम है डायनामिक्स। तो डायनामिक्स एक बहुत इंपोर्टेंट टॉपिक है, मैं तुहानू हुणे हुणे दस्सिया। प्रीवियस वीडियोज दे विच आपां काफी कुछ डिस्कस किया कि मोशन की हुंदा है, यूनिफॉर्म मोशन की हुंदा है, एक्सेलरेशन की है, किस तरीके नाल आपां यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन और एक्सेलरेशन दे विच डिफरेंस कर सकते हैं, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दे विच की डिफरेंस है, यह सारा कुछ आपां सारा कुछ देखिया समझिया। देखो हुण ध्यान नाल अज आपां की डिस्कस प्रीवियस वीडियोज दे विच वैसे आपां की डिस्कस किया सी, कुछ फॉर्मूलाज नूं डिस्कस किया सी जो कुछ इस तरीके नाल सी, वी इज इक्वल टू यू प्लस एफ टी। ठीक है जी, इस तों इलावा आपां कुछ दो फॉर्मूलाज नूं होर डिस्कस किया सी। ओदे विच अगर गल कीती जावे तो कुछ इस तरीके नाल सी कि वी स्केयर इज इक्वल टू यू स्केयर प्लस 2fs, और एक आपां डिस्कस किया सी डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू यू टी प्लस 1/2 ft स्केयर। यह सारा कुछ आपां ओदे विच देखिया समझिया सारा कुछ किवें आपां इन्हां नूं देख सकते हैं। ठीक है, इस तों इलावा अगर गल कीती जावे तो अज आपां की डिस्कस करना, एक होर मैं तुहानूं दस्सिया सी कि अगर एक्सेलरेशन की हो जाती है नैगेटिव हो जाती है तो उसनूं आपां रिटार्डेशन बोल देने हैं, और अगर रिटार्डेशन की गल कीती जावे तो तुसीं जस्ट एक्सेलरेशन के अगे की लगा देना, नैगेटिव साइन लगा देना, उहदे नाल तुहाडे की बन जाएंगे किसे फॉर्मूले तैयार हो जाएंगे, उसनूं आपां की बोलते हैं रिटार्डेशन बोलते हैं। ठीक है, तो बिल्कुल फर्स्ट क्वेश्चन तो अज आप स्टार्ट करेंगे, पहले एटलीस्ट 1 से 10 क्वेश्चन ने आप डिस्कस करांगे। ठीक है, उस तो बाद अगे इस टॉपिक नूं कंप्लीट करांगे। देखो फर्स्ट क्वेश्चन तुहाडे सामने है, फर्स्ट क्वेश्चन की है, व्हेन अ कार ड्राइव ट्रैवलिंग एट अ स्पीड, हुण देखो स्पीड मैनू किन्नी गिवन है, 10 मीटर पर सेकंड गिवन है। ठीक है, हुण इहदे विच मैनू नहीं पता कि की है, ए मैनू वेलोसिटी दिती हुई है, जां एक्सेलरेशन दिती हुई है, ठीक है, जां फिर अगर गल करिए डिस्टेंस मैनू दिता होया, मैनू किसी चीज बारे कोई नॉलेज नहीं है। फॉर एग्जाम्पल जिवें कि कन्फ्यूजन हुंदी है हर एक स्टूडेंट नूं कि इह वेलोसिटी है जां एक्सेलरेशन है डिस्टेंस है, तो मैं तुहानूं पहला भी दस्सिया सी कि अगर मेरे को मीटर पर सैकंड की गल की गई है, दैट्स मीन इट इज टॉकिंग अबाउट वेलोसिटी। अगर मेरे को गल की गई है मीटर पर सैकंड स्क्वायर की, दैट्स मीन इट इज टॉकिंग अबाउट एक्सेलरेशन। अगर मेरे को गल की गई है ओनली मीटर की, दैट्स मीन इट इज टॉकिंग अबाउट डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, तो इन्होंने चीजों अगर बायचांस सानू इत्थे नहीं भी क्लीयर हो रहा, दैन मीटर पर सैकंड तो मैं एक चीज तो क्लीयर होगी कि इतने जो मैं वेलोसिटी है वो मैं किन्नी गिवन है, 10 मीटर पर सैकंड गिवन है। ठीक है जी, उस तों बाद कहिंदे ब्रेक लगा दिते जांदे ने एंड ब्रिंग्स द कार एट रेस्ट। देखो हुण देखो अगर इस चीज नूं मैं एक डायग्राम नाल तुहानूं दसां कि 0 तो ए इत्थे की है कार दी स्पीड किन्नी है, 10 मीटर पर सैकंड है। उस तों बाद कहिंदे ने कि उसकी कार जो है वह ब्रेक लगा दिंदी है, मतलब रुक जाती है, रुकन तों बाद यह रेस्ट दे विच आ जाती है। अगर रेस्ट दे विच आ जाती है तो मतलब उस टाइम ते जो वेलोसिटी होएगी वह किन्नी होएगी, 0। सो क्लीयर है इत्थों तां,
कि जो इनिशियल वेलोसिटी है वो मेरे को की है 10 मीटर पर सेकंड है और जो फाइनल वेलोसिटी है वो मेरे को की है 0 मीटर पर सेकंड है। ठीक है, क्योंकि ए तो मैं तुहानू दसता कि हाँ जी अगर वेलोसिटी है देन मीटर पर सेकंड होएगा, एक्सेलरेशन है देन मीटर पर सेकंड स्क्वायर होएगा, डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट है देन मीटर होएगा। बट वेलोसिटी दिया अगे टू टाइप्स होंगी, वन इज इनिशियल, सेकंड इज फाइनल। इनिशियल और फाइनल का किदा पता लगेगा, कोई ऑब्जेक्ट जो तो स्टार्ट हो रहा है तो उदो केड़ी वेलोसिटी होंगी है, इनिशियल होंगी है, फाइनल कदों होंगी है, जो जो ऑब्जेक्ट है जो कार जो कोई भी आप गिवन है, ठीक है, कोई भी बॉडी गिवन है तो वह की हो जाती है, रुक जाती है। ठीक है, उस तो बाद क्या है इन्होंने कार रेस्ट के आ जाती है, मतलब फाइनल वेलोसिटी मेरे को इतने किन्नी होगी 0 और ए मेरे को इनिशियल वेलोसिटी सी इन 20 सेकेंड, मतलब मेनू इतने टाइम किन्ना देता इन्होंने 20 सेकेंड देता। ठीक है, हुण इत्थे मेरे को सब कुछ क्लियर हो गया। दैन रिटार्डेशन इत्थे मैंने फाइंड करनी है, हुणी हुणी आपां जो रिटार्डेशन का मीनिंग है वह समझ के आया कि रिटार्डेशन की होंदी है, अगर मेरे को एक्सेलरेशन की हो जाती है नेगेटिव हो जाती है। हुण देखो इत्थे एक चीज तुहानू क्लीयरली नजर आ रही होनी, स्पीड घट रही है, कार रुक रही है, वेलोसिटी दे विच चेंज हो रहा है, की चेंज हो रहा है, नेगेटिव चेंज हो रहा है, मतलब जो एक्सेलरेशन है वह की है, नेगेटिव है, और अगर नेगेटिव एक्सेलरेशन है दैन इट इज टॉकिंग अबाउट रिटार्डेशन। समझ रहे इस चीज नू, मतलब अगर सिंपल शब्द विच कहिए तो इत्थे मेनू एक्सेलरेशन फाइंड करने लिए किया गया जो कि नेगेटिव होगी, जो मेरे को नेगेटिव आएगी। सो आप एक्सेलरेशन फाइंड कर दिया हूं इतने, क्योंकि एक्सेलरेशन ही आप फाइंड करने लिए किया गया। रिटार्डेशन का मतलब यह है कि वह स्पीड जो है वेलोसिटी विच जो चेंज है वह की हो रहा है, नेगेटिव हो रहा है। ठीक है, और एक्सेलरेशन का जो फॉर्मूला है वह मैं क्लीयरली पता है कि होंगे चेंज इन वेलोसिटी अपॉन जिन्ना मैनू की लग रहा है टाइम लग रहा है। ठीक है, हुण चेंज इन वेलोसिटी मेरे को किन्ना है, चेंज इन वेलोसिटी मेरे को होंगे फाइनल माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन टाइम। फाइनल मेरे को किन्ना है 0, इनिशियल मेरे को किन्ना है 10 और टाइम मेनू किन्ना लग रहा है 20। ठीक है जी, तो मेरे को 10 अपॉन 20 हो गया, माइनस सोल्व करांगे तो किन्ना आ जाएगा 0.5 माइनस, और माइनस तो मैं तुहानू कहा ही सी कि नेगेटिव है, मैं तुहानू कहा सी कि इन्होंने आपां नू एक्सेलरेशन फाइंड करने लिए किया है जो कि नेगेटिव होगी, मतलब फाइंड तो मैंने यही वैल्यू करनी सी ना, नोट अबाउट माइनस। इन्होंने मैंने रिटार्डेशन फाइंड करने लिए किया सी, रिटार्डेशन का मतलब तो नेगेटिव एक्सेलरेशन होंगी है, नेगेटिव तो चकना ही नहीं, कल एक्सेलरेशन लवेंगे। समझ रहे इस चीज नू, हुण देखो जो ए ऑप्शन है और जो बी ऑप्शन है वह तो मेरा आंसर नहीं होंगे, किमें भी नहीं होंगे। ठीक है, हुण गल की जाए सी और डी ऑप्शन की, तो बिल्कुल जो डी ऑप्शन है वह मेरा राइट आंसर होगा रैदर दैन सी। सी मेरा राइट आंसर क्यों नहीं है, क्योंकि इन्होंने गल की है रिटार्डेशन की, रिटार्डेशन का मतलब ही जो होंगे नेगेटिव एक्सेलरेशन होंगे। ठीक है, क्लियर है चीज, तो ऐसे तो फर्स्ट क्वेश्चन जिदे विच तुहानू काफी कुछ सीखने मिले, लाइक अगर आपां नू नहीं पहचान के व्हाट इज वेलोसिटी व्हाट इज एक्सेलरेशन, आपां नू दी पहचान किवें कर सकते हैं, अगर वेलोसिटी है तो यूनिफॉर्म केड़ी होएगी और फाइनल केड़ी होएगी। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आपां, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो तुहाडे सामने है, सेकंड क्वेश्चन। ठीक है, तो बिल्कुल ए ने जो ऑप्शंस ने, ए ऑप्शन, बी ऑप्शन, सी ऑप्शन एंड डी ऑप्शन। ठीक है, तो देखो ये जो राइट ऑप्शन है वो केड़ी होएगी। अब बॉडी कवर्स, देखो एक बॉडी जो है इस तरीके ना जो डिस्टेंस कवर कर दिया इन्ने सेकंड से विच। ठीक है, हुण देखो अगर इसनू आप इसनू भी अगर गल करिए ग्राफिकली देखिए, ये मेरे को की है ए है, ये मेरे को की है बी है, इसनू मैं पार्ट्स के विच डिवाइड कर लैनी हूं। ठीक है, सी डी एंड ई, देखो ये कहंदे कि जो डिस्टेंस है वो कवर किया जाता है, डिस्टेंस इन्होंने किया फर्स्ट दे विच कहंदे 16 मीटर डिस्टेंस कवर हो रहा है, सेकंड दे विच 18 मीटर डिस्टेंस कवर हो रहा है, थर्ड दे विच 20 मीटर डिस्टेंस कवर हो रहा है एंड फोर्थ दे विच 22 मीटर डिस्टेंस कवर हो रहा है, ए जो डिस्टेंस कवर हो रहा है ए फिफ्थ सेकंड दे विच हो रहा है, ए सिक्स्थ सेकंड दे विच हो रहा है, ए सेवन्थ सेकंड दे विच डिस्टेंस कवर हो रहा है और यह 8th सेकंड दे विच डिस्टेंस कवर हो रहा है। इत्थे ध्यान रखियो 7 सेकंड की गल नहीं की गई, इत्थे 7th सेकंड की गल की गई है। ठीक है, किते कहो कि हाँ जी 7 सेकंड की गल, 7th मतलब सेकंड तो एको ही है ना, 7th सेकंड इत्थे गल की गई है। अगे आपां नूं की किया होया, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज ट्रू अबाउट द बॉडी, कहिंदे इन्हां दे विचों केड़ी जो स्टेटमेंट है वो की होएगी ट्रू होएगी। देन फर्स्ट की है, द बॉडी मूव विद द यूनिफॉर्म वेलोसिटी फ्रॉम रेस्ट, मैंने इस चीज दे विच कुछ नहीं देखना, मैंने जो लास्ट वर्ड देखा रेस्ट मैं इत्थे गलत करता कि रेस्ट तो नहीं स्टार्ट हो रही, यह जो बॉडी दी अगर गल करिए मूव है वह रेस्ट तो स्टार्ट नहीं हो रही, द मूव फ्रॉम रेस्ट, अगे जाने की लोड़ ही नहीं, रेस्ट तो स्टार्ट नहीं हो रही। सो ए ऑप्शन बी ऑप्शन रोंग ने,
सी ऑप्शन देखो, द बॉडी मूव विद द एंड इनिशियल वेलोसिटी, बिल्कुल इनिशियल वेलोसिटी इथे है, ठीक है। उस तो बाद अगर गल करिए विद एंड मूव विद द यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, की है यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है, ठीक है। हुन देखो अगर गल की जाए एक्सेलरेशन की, एक्सेलरेशन का मतलब की होंगे चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का मतलब की है, मेरे को हर जगह एक्सेलरेशन की होगी सेम होगी। अगर मैं एक्सेलरेशन निकाल लेनी है तो अगर वो सेम आ जाती है दैट्स मीन मेरे को की हो गया, ठीक है, थर्ड ऑप्शन की हो गया, राइट हो गया, ठीक है। तो देख लेने इस चीज में, हाँ जी, तो एक्सेलरेशन देख लेने हैं। देखो एक्सेलरेशन की है चेंज इन वेलोसिटी, ए वेलोसिटी है, इस दे विच मेरे को इतने 2 मीटर का चेंज हो रहा है, इतने मेरे को कितना हो रहा है 2 मीटर का चेंज हो रहा है, इतने मेरे को कितना हो रहा है 2 मीटर का चेंज हो रहा है। मतलब हर एक सैकेंड दे विच, हर एक सैकेंड दे विच 2 मीटर डिस्टेंस जो है वो ज्यादा कवर किया जा रहा है। पहले 5 सैकेंड दे विच देखो, पहले 5 सैकेंड दे विच की किया जा रहा है 18 किया जा रहा है, अगे 20, मतलब की है 2 मीटर का जो मैनु दिख रहा है कि सारे किते जो सेम एक्सेलरेशन है वो नजर आ रही है। अगर मैं कहां कि मेरे को किसी एक्सेलरेशन चेंज इन वेलोसिटी सी, चेंज इन वेलोसिटी मेरे को कितना है 2 मीटर आया, अपॉन मेरे को टाइम कितना है 1 सेकंड है, कल 5th सेकंड की गल की गई है, तो एक्सेलरेशन मेरे को कितनी आ गई 2 मीटर। अगले दिन निकाल रही हूं मैं, इतने भी मेरे को कितनी है चेंज इन वेलोसिटी 2 मीटर ही था है। सिमिलर अगर मैं नेक्स्ट दिन कर ला उथे भी तो मेरे को एक्सेलरेशन कितनी है 2 मीटर ही था है, ठीक है। मतलब इतने मैं क्लियरली नजर आ रहा है कि जो एक्सेलरेशन है वो हर जगह पे की है सेम है। सो एक्सेलरेशन की है कॉन्स्टेंट है, तो बिल्कुल जो राइट ऑप्शन मेरे को की है सी बन रहे है। एक बार लास्ट ऑप्शन देख लेने, बट एग्जाम जो मैं राइट ऑप्शन मिल जाएगी तो मैं अगे इन्ना तो मतलब क्लियर होना चाहिए, सही होना चाहिए और कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि तुम अगे बार बार चेक नहीं करोगे। डी ऑप्शन जो है वो की है द बॉडी मूव्स विद एन इनिशियल वेलोसिटी एंड देन मूव्स विद द यूनिफॉर्म वेलोसिटी। यूनिफॉर्म वेलोसिटी का मतलब देखो, इतने जो मैनू नजर आ रहा है कि वेलोसिटी है बट वो यूनिफॉर्म नहीं है, यूनिफॉर्म मेरे को की है एक्सेलरेशन है, ठीक है। सो बिल्कुल क्लियर है कि डी ऑप्शन भी मेरा थे कि हो जाएगा रॉन्ग हो जाएगा। सो राइट ऑप्शन इतने मेरा किया जी सी, क्लियर। आगे करिए, अगला जो क्वेश्चन है थर्ड क्वेश्चन थोड़े सामने है। थर्ड क्वेश्चन की है मेरे को, अ कार स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट, रेस्ट तो स्टार्ट हो रही है, इनिशियल वेलोसिटी मेरे को की होगी 0 होगी। हुन एक्सेलरेट, हुन एक्सेलरेशन मेनु कितनी गिवन है 6 गिवन है, सो 6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर मेनु कितनी गिवन है एक्सेलरेशन गिवन है। हाउ फार डज इट ट्रेवल, कितना है ट्रेवल कर दिया, दैट्स मीन दे आर टॉकिंग अबाउट डिस्टेंस एंड फर्स्ट किन्ने सेकंड मतलब मेनु टाइम कितना दिता है 3 विच इज सेकंड दे विच, ठीक है। सो ए चीजा क्लियर ने, ठीक है। हुन देखो स्टार्ट की है जिथो उसने तो रेस्ट दे विच है, तो इनिशियल वेलोसिटी मेरे को की होगी 0 होगी। वैसे भी अगर तुहानू इत्थे पहले ही दस्या सी कि इत्थे कल्ले मीटर की गल की गई है मतलब डिस्टेंस होएगा ऑब्वियसली, मीटर पर सेकंड है तो एक्सेलरेशन है, ठीक है, सेकंड है तो ओनली टाइम है, तो यूनिट्स नाल अपना पूरा क्लियर रखो इस चीज नूं। हुण देखो इत्थे की है, सारा कुछ तुहानू गिवन है और डिस्टेंस तुसीं फाइंड करना है। तुहाडे कोल 3 मैथड्स हुंदे आ, फर्स्ट इज वी इज इक्वल टू यू प्लस एफ टी, सेकेंड इज एस इज इक्वल टू ut + ½ ft² एंड थर्ड इज v² = u² + 2fs, ठीक है। बिकॉज हुन देखो इथे तुसी किवें कवर करना है, क्योंकि मेरे को डिस्टेंस मैंने फाइंड करना है, तब फर्स्ट जो होएगा वो तो मेरे को इथे कैंसिल हो गया, फर्स्ट नु तो मैं लवांगी नहीं क्योंकि मैंने डिस्टेंस फाइंड करना है। अगर मैंने डिस्टेंस फाइंड करना है सो डिस्टेंस सिर्फ इन्हों दोनों दे विच कवर हुंदा है। मैं एक चीज थोड़े नाल डिस्कस करनी है, पहले इस चीज नु थोड़ा देखो ध्यान नाल, मेरे को ये 3 मैथड्स ने, u + ft, सेकंड मेरे को है s = ut + ½ ft² एंड थर्ड जो मेरे को मेथड है वो है v² = u² + 2fs, ठीक है। हुण ये सारे मेरे को मेथड्स ने, एदे विच तुसी क्लियरली नजर तुहानू आ रहा है कि जो डिस्टेंस है वो नहीं है, इसदे विच फाइनल वेलोसिटी नहीं है, इसदे विच टाइम नहीं है। अगर मैनु डिस्टेंस फाइंड करने लिए कहता दैन मैनू सिर्फ इन्हों दोनों देखने की जरूरत है, ये वाल तो मैं देखना ही नहीं। फाइनल वेलोसिटी की गल करती दैन मैं फर्स्ट और थर्ड के चूज करांगी, टाइम की गल करती तो मैं फर्स्ट और सैकंड चूज करांगी, ठीक है। आफ्टर दैट अगर गल की जाए हूं जिम्मे ए मेरे को गिवन है, ये मेरे को एक्सेलरेशन गिवन है, एक्सेलरेशन मेरे को कि 6 मीटर पर सैकंड स्क्वायर,
डिस्टेंस मैंने की करना है, फाइंड करना है, ठीक है। इनिशियल वेलोसिटी मेरे को किनी है, मे बी जीरो, राइट। हाँ जी, और टाइम मैंने किन्ना गिवन है, थ्री सेकेंड मेरे को टाइम है, 0 मीटर पर सेकेंड के मेरे को इनिशियल वेलोसिटी है, ठीक है। हुन इस दे विच की है मेरे को, मैंने फाइंड करना है से डिस्टेंस, ठीक है। हुन देखो ए दे विच की है, मैं देख रही हूँ कि ए दे विच डिस्टेंस नहीं है, सो ए ऑप्शन गया। मेरे को फाइनल वेलोसिटी भी नहीं मैंने पता, और इस दे विच फाइनल वेलोसिटी है, सो ए भी मेरे को गया, ठीक है। हुन देखो मैंने वो लेने सी जिदे विच मेरे को एक्सेलरेशन होवे, डिस्टेंस होवे, टाइम होवे और इनिशियल वेलोसिटी होवे, समझ रहे हो। मैंने फर्स्ट ऑप्शन क्यों, फर्स्ट फॉर्मूला क्यों नहीं लिया, क्योंकि मैंने डिस्टेंस फाइंड करना सी पर ओदे विच है नहीं सी। और मैंने जो थर्ड फॉर्मूला क्यों नहीं लिया, क्योंकि एदे विच मैंने इनिशियल वेलोसिटी दी जरूरत पैनी सी, और इनिशियल वेलोसिटी मेरे को क्वेश्चन दे विच नहीं हैगी सी। सो मैं इत्थे जो अप्लाई करांगी ओ मेरे को की होएगा, यूटी प्लस हाफ एफ टी स्क्वेयर, ठीक है। हुन डिस्टेंस मैंने फाइंड करना है, इत्थे अगर मैं वैल्यूज नूं पुट करांगी तो मेरे को आ जाएगा 0 प्लस हाफ 6 3 स्क्वेयर। जो इस सोल्व करांगे तो मेरे को किन्ना आ जाएगा, 27 मीटर। सो मेरे को जो राइट ऑप्शन होएगा वो की होएगा, सी होएगा, विच इज 27। सी जो होएगा मेरे को राइट आंसर होएगा, समझ रहे हो इस चीज न, ठीक है। किस तरीके नाल आपने जो दो एक बार तुसी क्वेश्चंस दी प्रैक्टिस करनी शुरू करती तो यह तीनों तुहाडे माइंड दे विच बैठ जाएंगे। तो तुहानू अगर तुसी प्रैक्टिस करते हो तो तुहानू यह सोचने की जरूरत नहीं पेगी कि मैं इन्हां तीनों दे विचों केड़ा यूज करा, क्योंकि अगर तुहाडे फॉर्मूले याद ने तो तुसी बड़ी ईजीली यूज कर सकते हो, ठीक है। नैक्सट अगर गल करिए थर्ड क्वेश्चन तुहाडे सामने है। थर्ड क्वेश्चन की है, अगर एक बस है स्टार्ट हुंदी है रेस्ट तो स्टार्ट होंगे, दैट्स मीन इनिशियल वेलोसिटी मेरे को की होगी 0 मीटर पर सेकेंड, ठीक है, विद अ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन मेनु किन्नी गिवन है, एक्सेलरेशन मेनु गिवन है 0.1 मीटर पर सेकेंड स्क्वेयर। टाइम मेनु गिवन है 2 मिनट। अगर मेरे को टाइम 2 मिनट गिवन है, देन मैं इस 120 सेकेंड बोल सकती हूँ, क्योंकि मैं इस सेकेंड दे विच कन्वर्ट करांगी, क्योंकि मेरे को सारे टर्म्स की दे विच ने सेकेंड दे विच ने। देखो हुन फर्स्ट मैंने की फाइंड करना है, वेलोसिटी फाइंड करनी है, फाइंड वेलोसिटी। वेलोसिटी अगर मैंने फाइंड करनी है तो मैं इत्थे की रख दी हां, वेलोसिटी नूं रख दी हां, ठीक है। हुन देखो ये चारों चीजा मेरे को की दे विच ने, बिल्कुल जो फर्स्ट है यू प्लस एफ टी, ठीक है। हुन इस तरीके नाल तुसी टर्म्स नूं देखो तो तुहाडे माइंड दे विच फॉर्मूला आ जाए, इन्नी प्रैक्टिस तो तुहानूं खुद करनी ही पएगी, ठीक है। हुन अगर मेरे को वी जो है वो मैंने फाइंड करनी है, इनिशियल वेलोसिटी मेरे को जीरो है, और एफ मेरे को किन्नी है 0.1 है, और टाइम मेरे को किन्ना है 120 है, देन मेरे को वी के इक्वल आ जाएगा 12 मीटर पर सेकेंड दे इक्वल आ जाएगा। सो दिस इज माय फर्स्ट आंसर, ठीक है। सेकेंड अगर गल की जावे, मैंने की करना है डिस्टेंस फाइंड करना है, ठीक है। सेकेंड मैंने फाइंड करना है डिस्टेंस, जिस दे विच मेरे को इनिशियल वेलोसिटी जीरो है, और टाइम मैनु गिवन है 120 सेकेंड, ठीक है जी। और अगर गल की जाए होर मैं की गिवन सीगा, लाइक एक्सेलरेशन मैं गिवन सीगी, एक्सेलरेशन मेरे को किन्नी है 0.1 मीटर पर सेकेंड स्क्वेयर। और इस तो इलावा अगर गल की जाए, हुनी हुनी मैंने जो फाइनल वेलोसिटी फाइंड की है वो है 12 मीटर पर सेकेंड, और जो डिस्टेंस है वो मैंने फाइंड करना है। सो इत्थे गल होगी डिस्टेंस दी। सो ए वाला फॉर्मूला तो मैं सोचांगी भी नहीं, क्योंकि एदे विच डिस्टेंस ही नहीं है। सो जो बाकी दे दो मैथड्स ने वो इत्थे की होणगे यूज होणगे, सॉरी वो इत्थे मेरे को की होंगे यूज होंगे। सो फर्स्ट मेथड मेरे को यही है, अगर गल की जाए तो सेकंड मेथड मेरे को की है ए वाला है, ठीक है। तो हुन इन्हां दोनों दे विचों तुसी कोई भी एक मेथड यूज कर सकते हो, क्योंकि मेरे अकॉर्डिंग मेनू इत्थे जो नजर आ रहा है मेरे को सारिया वैल्यूज की ने अवेलेबल ने। मेरे को इनिशियल वेलोसिटी भी है, मेरे को एक्सेलरेशन भी है, मेरे को फाइनल वेलोसिटी भी है। जो तो मेरे को सारिया वैल्यूज ने, फिर तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं, कोई मर्जी का जो मेथड है तुसी वो यूज कर सकते हो। लाइक फॉर एग्जाम्पल मैं यही मैथड यूज कर रही हूँ, डिस्टेंस मैंने फाइंड करना है, इनिशियल वेलोसिटी मेरे को जीरो है, सो ए भी मेरे को जीरो हो जाएगा, और 1/2 एक्सेलरेशन मेरे को किन्नी है 0.1, और टी स्क्वेयर किन्ना है मेरे को 120 स्क्वेयर। जो मैं इसे सोल्व करांगी तो मेरे को किन्ना बन जाएगा, एक मेरे को कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। और मेरे को बच जाएगा अगर गल की जाए 60 × 120/10, और जो इस सोल्व करांगे तो मेरे को किन्ना आंसर आ जाएगा 72, हाँ जी 720 मीटर मेरे को की आ जाएगा आंसर आ जाएगा, और ए मेरा की होएगा डिस्टेंस होएगा, समझ रहे हो। इस तरीके नाल अपने जो फॉर्मूले ने अपन क्लियर होने चाहिए ने, और जो किदे नाल होंगे ओनली विद द हेल्प ऑफ प्रैक्टिस। शॉर्टकट्स नहीं होंगे,
हर एक क्वेश्चन का अपन मोस्टली सुनते हैं कि हाँ जी ये वाला शॉर्टकट लगाओ और एक सैकेंड दो सैकेंड अपने क्वेश्चन सॉल्व कर लो। एक सैकेंड और दो सैकेंड तो अपन क्वेश्चन की स्टेटमेंट पढ़ने ही लग जाते हैं। सिंपल शब्दों में अगर गल करिए तो जिनी प्रैक्टिस होएगी तुसी अपने शॉर्टकट्स खुद जो है वह बनाओगे। ठीक है, हुण अगर तुसी इन्हां मैथड्स नाल रिलेटेड जो कि आप 100 एमसीक्यूज करांगे है ना, अगर वह सारे 100 एमसीक्यूज तुसी क्लीयरली कर लैंदे हो तो तुहाडी इन्नी प्रैक्टिस तो हो ही जाएगी कि तुहाडी जो फॉर्मूलाज ने तुहाडी माइंड दे विच बैठ जाएंगे और बड़ी ईजीली तुसी उन्हां नूं सॉल्व कर लोगे। ठीक है, नैक्सट अगर गल करिए ये जो क्वेश्चन नंबर है एक फोर्थ क्वेश्चन नंबर है। ठीक है, तो बिल्कुल फोर्थ क्वेश्चन है अपना। ठीक है, इसमें देख लें, अ कार इनक्रीज इट्स फॉरवर्ड वेलोसिटी यूनिफॉर्मली फ्रॉम दिस टू दिस। ठीक है, हुण देखो इथों स्टार्ट हो रही है इथे जा रही है, स्टार्टिंग दे विच इसकी जो सीगी वो सीगी 40 मीटर पर सैकेंड, फिर हो जाती है 80 मीटर पर सैकेंड। मतलब मेरे को इनिशियल वेलोसिटी कितनी है 40 मीटर पर सैकेंड है और फाइनल वेलोसिटी कितनी है 80 मीटर पर सैकेंड है। ठीक है, नाउ वट इज द, अगर गल करिए कहते इन्ना डिस्टेंस वह ट्रैवल कर दी है, डिस्टेंस मैं किन्ना गिवन है 200 मीटर, मेरे को किन्ना गिवन है डिस्टेंस गिवन है। वट इज द एक्सलरेशन, जो एक्सलरेशन है और मैंने की करनी है फाइंड करनी है ड्यूरिंग दिस टाइम। हम देखो ये की है एक्सलरेशन मैंने फाइंड करनी है। अगर मैं ध्यान नाल देखा जो मैंने तुहानू फॉर्मूलाज इत्थे तीन दसे सी, ठीक है, इन्हां तीनां दे विच इक गल तुसी नोटिस करो कि इहदे विच डिस्टेंस नहीं होएगा, इनिशियल वेलोसिटी नहीं होएगी, टी नहीं होएगा। पर तुसी इत्थों की सी चीज सीख पा रहे हो कि जो एक्सलरेशन है और इस तों इलावा अगर गल कीती जावे इनिशियल वेलोसिटी है यह हर एक जगह ते हर एक फॉर्मूले दे विच होंगे ही होंगे। अगर तुहानू इनिशियल वेलोसिटी फाइंड करने लई जां एक्सेलरेशन फाइंड करने लई बोल दिंदे ने तो तुहानू इन्हां तिन्हां दे विचों ही कोई भी तुसी मतलब स्टेटमेंट दे अकॉर्डिंग, मतलब मेरे कहने की है ये दोनों टर्म्स तुहानू हर जगह ते अवेलेबल नजर आनगियां ही आनगियां। ठीक है, वही अपने कोल हुण क्वेश्चन आ गया कि आपने की फाइंड करनी है, एक्सेलरेशन फाइंड करनी है जो कि तीनों फॉर्मूलाज दे विच हुंदी है। ठीक है, हुण इहदे विच देखो इहदे विच चीज आ गया डिस्टेंस। अगर डिस्टेंस आ गया दैट्स मीन जो मेरे को फर्स्ट फॉर्मूला है विच इज वी इज इक्वल टू यू प्लस एफ टी, इनू तो मैं लवांगी ही नहीं, इन तो मैं यूज ही नहीं करांगी क्योंकि इतने मेरे को गल नाल की दी होगी डिस्टेंस दी होगी। ठीक है जी, हुण अगर गल की जाए हाँ जी तो बिल्कुल इहदे विच देखदे आगे एक्सेलरेशन जो है सॉरी बिल्कुल तो अपने को जो बाकी दे जो दो मैथड्स ने वो केड़े केड़े बच जाते हैं, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ एफ टी स्क्र और एक मेरे को बच जाता है वी स्क्र इज इक्वल टू यू स्क्र प्लस टू एफ एस। ठीक है, हुण इहदे विच देखो इन्हां दोनों ने विच केड़ा आप यूज कर सकते हैं, यू है मेरे को वी है बट मेरे को टाइम नहीं गिवन है। अगर मेरे को टाइम नहीं गिवन है तो मैं इसनू नहीं लवांगी क्योंकि मेरे को टाइम नहीं गिवन है, ए मेनू टाइम की कितने भी जरूरत नहीं पै रही, समझ रहे हो इस चीज न। ठीक है, हम देखो इनिशियल किन्नी है फाइनल किन्नी है, देखो जो इनिशियल वेलोसिटी है मेरे को 40 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, और फाइनल वेलोसिटी मेरे को 80 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, और एक्सेलरेशन मैंने की करनी है फाइंड करनी है, डिस्टेंस मेनु किन्ना गिवन है 200। ठीक है, हम मैंने एग्जाम की करना है हुण तुसी बड़ी ईजीली इसनू सोल्व कर सकते हो क्योंकि कल्ली कैलकुलेशन करनी है, कैलकुलेशन करन दा भी एक वे है। ठीक है, हुण तुसी एग्जाम दे विच की करोगे जा तो ज्यादा अपना फॉर्मूला लिखोगे, उस तो भी ज्यादा की करोगे अपनी वैल्यूज लिखोगे क्योंकि अगर आप डायरेक्टली क्वेश्चन दे विचों बार बार क्वेश्चन नू पढ़ के वैल्यूज लैने आ ना तो अपना टाइम ज्यादा वेस्ट हुंदा है कंपेरिजन दैन कि एक बार स्टेटमेंट नू चंगी तरह पढ़ो अपनी सारिया वैल्यूज नू लिख लो, बार बार रिपीट करके पढ़ने की जरूरत ना पवे कि हाँ जी मेरे को इनिशियल वेलोसिटी कितनी सी, अच्छा अच्छा ठीक है मेरे को फाइनल वेलोसिटी, ओदे लिए दोबारा सारी स्टेटमेंट रीड करना टाइम जो है वो वेस्ट हुंदा है। एक बार चंगी तरह स्टेटमेंट नू पढ़ दो कली कली वैल्यू नू इत्थे लिख लो। सो ए चीज तां तुसी करोगे, ठीक है, अपनी वैल्यूज नू लिखोगे नाल तुसी वैल्यूज नू देखोगे तो फॉर्मूला भी एक बार जरूर लिखोगे। ठीक है, ताकि तुहाडे तों कोई गलती ना हो सके तो इन्ना तो करना पेगा जो अपने आप कह सकते हैं शॉर्टकट। राइट, तो वह कि ज्यादातर कोशिश करा करो यूज करने की कैलकुलेशन कि कैलकुलेशन जो है फटाफट तुसी उसनू कर सको। हुण तुसी इहदे विच कैलकुलेशन प्रोपरली नहीं करोगे कि लाइक 80 स्क्र इज इक्वल टू 40 स्क्र, ठीक है, फिर उस तो बाद तुसी करोगे टू एक्सेलरेशन फिर 200, इन्ना कुछ करने की जरूरत नहीं है। तुहानू पता है फाइनल वेलोसिटी किन्नी है 80 का स्क्र किन्ना होगा 6400। ठीक है, इनिशियल वेलोसिटी कितनी है 40 ओदा कितना होएगा 1600। हुण मैनूं पता है कि इह इधर आके किहदा हो जाएगा माइनस दा हो जाएगा तो इन्हां दा माइनस कर दो कितना आ गया मेरे को
किन्ना आ गया मेरे को 4800 आ गया। ठीक है, हुण ए भी मैंनू पता है कि जो 4800 है ये अगे किस दे नाल डिवाइड होएगा, 2 इंटू एस दे नाल डिवाइड होएगा, और 2 इंटू एस दे नाल अगर डिवाइड होएगा तो एस दी वैल्यू किन्नी है, 200 है। ठीक है, इसनू इस तरीके नाल सॉल्व करो तो तुहाडे कोल जो आंसर आएगा वो तुहाडा की होएगा, राइट आंसर होएगा मीटर पर सेकंड स्क्वायर। हुण इत्थे मैं की कीता है, इत्थे जो कैलकुलेशन प्रॉपरली इन्ना लंबा चौड़ा करन दी बजाए मैंने अपने माइंड दे विच कैलकुलेशन कीतियां, अच्छा ठीक है इधर आके माइनस हो जाएगा, इन्हों के स्केयर मतलब की है इन्होंने स्केयर का माइनस हो गया, चलो 48 आ गया। हुण मैंनू ए भी पता है कि जेड़ा माइनस करके आएगा ये दोनों चीजें नाल डिवाइड होणगे तो बिल्कुल डिवाइड, यह किवें होएगा जदों तुहाडी अगर गल करी जाए तुहाडी कैलकुलेशन जो फास्ट है ओहदे नाल। ठीक है, तो बिल्कुल जो राइट ऑप्शन होएगा अपना की होएगा, सी ऑप्शन अपना राइट होएगा, 12 मीटर पर सेकेंड स्केयर। क्लियर, तुसी इसनु अपना सॉल्व करके भी देख सकते हो। ठीक है, तो अपनी कैलकुलेशन फास्ट करने की कोशिश करो। ठीक है, एवं नहीं है कि तुसी स्टेटमेंट दे विच सारा कुछ लिखो, टाइम ज्यादा लगता उन्होंने चीजा दे विच। ठीक है, तो छोटी छोटी गल्ला हुंदी है जिदे नाल आप अपनी जो स्पीड है उसनु थोड़ा बहुत फास्ट कर सकते हैं। ठीक है, अदरवाइज सब तो बेस्ट की है प्रैक्टिस है। नेक्स्ट अगर गल की जाए तो ऐसी क्वेश्चन नंबर 4, हुण अगला जो क्वेश्चन है वो है क्वेश्चन नंबर 5। जो क्वेश्चन नंबर 5 आप देख रहे हैं वो की है, एन ऑब्जेक्ट इज मूविंग इन अ स्ट्रेट लाइन, एक स्ट्रेट लाइन दे विच मूव करता है विद कॉन्स्टेंट एक्सेलरेशन, इनिशियली इट इज ट्रैवलिंग टू 16 मीटर पर सेकेंड। स्टार्टिंग दे विच कहंदे हो मूव करता है तो उसकी स्टार्टिंग मतलब इनिशियल वेलोसिटी मतलब 16 मीटर पर सेकेंड हो गया। 3 सेकेंड लेटर टाइम मैनू किन्ना देता, 3 सेकेंड्स देता। इट इज ट्रैवलिंग एट 10 मीटर पर सेकेंड, तो फाइनल वेलोसिटी मेरे को किन्नी होगी, 10 मीटर पर सेकेंड। हाउ फार डज इट मूव ड्यूरिंग इट्स टाइम, मतलब मैंने की फाइंड करना है डिस्टेंस। अगर नहीं भी क्लियर हो रहा है कि इतने डिस्टेंस फाइंड करना है सो इन्हों देखो इतने की है, ओनली 1 यूनिट की गल हो रही है, सिर्फ मीटर की गल हो रही है, दैट्स मीन डिस्टेंस फाइंड करना है। सो मैंने की कितने एक बार स्टेटमेंट पढ़ी, ठीक है, अपना जो भी मैंने फाइंड करना है या जो भी मैंने गिवन है मैंने लिख लिया। हुण मैं दोबारा स्टेटमेंट वाल नहीं देखांगी। नेक्स्ट, और इहदा मतलब यह नहीं कि तुसी गलती करो, स्टेटमेंट अपनी सही सही लिखियो। नेक्स्ट अगर गल की जाए फिर मैंने देखा कि इतने की है डिस्टेंस है, अगर डिस्टेंस है तो फर्स्ट फॉर्मूले वाल तो जाना ही नहीं, जो बाकी दे 2 फॉर्मूलाज ने उन्होंने वाल जावांगे। और जो मैंने बाकी दे 2 फॉर्मूले लिखे तो मैंने इतने पता लगा कि मेरे को टी की जरूरत है, और अगर टी की जरूरत है तो ऑब्वियस जी चीज है कि मैं यही फॉर्मूला अप्लाई करांगी, क्योंकि जो मेरे को सेकेंड फॉर्मूला है उसके मेरे को कितने भी टी जो है उन्ना ही आंदा, सो ए भी मैं अप्लाई नहीं करांगी। ठीक है, तो ए मेरे को है अवला जो मैथड है वो मेरे को अप्लाई होगा। बट इतने मेरे को एक होर प्रॉब्लम मैं नजर आ रही है, की प्रॉब्लम नजर आ रही है कि डिस्टेंस तो मैंने फाइंड करना है, ठीक है, यू भी मेरे को हैगी है, ओके, टाइम भी है गया, ठीक है, बट इतने मेरे को एक्सेलरेशन मैंने चेंज दी है, और एक्सेलरेशन मेरे को है नहीं, और एक्सेलरेशन ऐदा दी वैल्यू है कि अगर मैं तीनों मेथड्स भी लगानी है तो मैंने एक्सेलरेशन तो जरूरी चाहिए चाहिए है, क्योंकि इनिशियल वेलोसिटी और एक्सेलरेशन सारे ही जो है हर एक फॉर्मूले दे विच इंक्लूड होंगे है। सो मैं इतने की करांगी, एक्सेलरेशन फाइंड करांगी। एक्सेलरेशन किस तरीके नाल फाइंड होगी, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन टाइम। हम देखो इतने मेरे को फाइनल वेलोसिटी कितनी है, फाइनल वेलोसिटी मेरे को कितनी है 10, इनिशियल वेलोसिटी मेरे को कितनी है 16, और टाइम मेरे कितना लग रहा है, टाइम मेनु इतने लग रहा है वेट 3 सेकेंड। ठीक है, तो बिल्कुल 3 इतने मेरे को कितना आ जाएगा, -6/3 मतलब -2 आ गया, मतलब जो एक्सेलरेशन है मेरे को की है नेगेटिव दे विच है, मतलब रिटार्डेशन है, और -6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर देते की हो रही है गल हो रही है। ठीक है जी, चलिए अगे अगे अगर आप गल करिए, हुण मेरे को एक्सेलरेशन भी आ गई, देन मेरे को फॉर्मूला की होएगा, डिस्टेंस इज इक्वल टू ut + 1/2 ft². u मेरे को किन्नी सी 10, t मेरे को किन्ना सी 3 + 1/2, एफ मेरे को किन्ना है -2, टी मेरे को किन्ना है टी स्क्वायर मतलब 9 बन जाएगा। ठीक है, तो मेरे को इतने की हो जाएगा 30 माइनस वेट, मेरे को जो इनिशियल वेलोसिटी सी और मेरे को किन्नी सी 16 सी, वेट जो मिस्टेक है मेरे को की होगा 16 होएगा, तो बिल्कुल इतने मेरे को किन्ना जाएगा 48 -9, और ए जो राइट आंसर होएगा और मेरे को की होएगा 37 वेट, जो ए भी थोड़ा बहुत फर्क पाएगा। रुको जी, थोड़ा सा हो गया प्रॉब्लम, एक्सेलरेशन निकालिए दोबारा। एक्सेलरेशन मेरे को की होएगी फाइनल वेलोसिटी जो कि मेरे को की है 10, ये तो बिल्कुल सही सी। ठीक है, तो इतने मेरे को किन्ना आ जाएगा 2 आ जाएगा -2। ठीक है, अगर डिस्टेंस की गल करिए 16 3 18 48 माइनस मेरे को इतने किन्ना आ जाएगा
FT² 9 बिल्कुल सही है था। 48 ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਰ ਮੈਂ 9 ਮਾਈਨਸ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕਿੰਨਾ ਹੋਏਗਾ 8 ਸੌਰੀ 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 ਇੱਥੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕਿੰਨਾ ਆਏਗਾ 39 ਆਏਗਾ। ਸੋ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਜੋ ਰਾਈਟ ਆਪਸ਼ਨ ਹੋਏਗਾ ਉਹ ਕੀ ਹੋਏਗਾ 39 ਮੀਟਰ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਸੋ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਜੋ ਰਾਈਟ ਆਪਸ਼ਨ ਹੋਏਗਾ ਉਹ ਕੀ ਹੋਏਗਾ 39 ਮੀਟਰ। ਕਲੀਅਰ। ਮੇਰੇ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀ ਕੀਤਾ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਲਿਖੀ ਆਪਣੀਆਂ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਲਿਖਣੀਆਂ ਜੋ ਫਾਈਂਡ ਕਰਨਾ ਉਹ ਲਿਖ ਲਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣਾ ਮੈਥਡ ਦੇਖੋ ਡਿਸਟੈਂਸ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਤਾਂ ਸੈਕਿੰਡ ਜਾਂ ਥਰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇਗਾ ਔਰ ਸੈਕਿੰਡ ਔਰ ਥਰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਰ ਟਾਈਮ ਮੈਨੂੰ ਗਿਵਨ ਹੈ ਤਾਂ ਸੈਕਿੰਡ ਹੀ ਅਪਲਾਈ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਥਰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਐਕਸਲਰੇਸ਼ਨ ਵੀ ਗਿਵਨ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦੈਨ ਐਕਸਲਰੇਸ਼ਨ ਮੈਨੂੰ ਫਾਈਂਡ ਕਰਨੀ ਪਏਗੀ। ਠੀਕ ਹੈ। ਔਰ ਐਕਸਲਰੇਸ਼ਨ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਜਿੰਨੀ ਆਏਗੀ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਾਂਗੀ ਆਪਣਾ ਕੁਐਸਚਨ ਸੋਲਵ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਕਲੀਅਰ। ਕੋਈ ਵੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਾਊਟ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਮੈਂਟ ਸੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁੱਛ ਲਿਓ। ਠੀਕ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਇਹ ਸੀਗਾ ਮੇਰਾ 6th ਕੁਐਸਚਨ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ। 6th ਕੁਐਸਚਨ ਦੇਖੋ। ਐਨ ਏਅਰਪਲੇਨ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਇਟਸ ਸਪੀਡ। ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਏਅਰਪਲੇਨ ਹੈ ਉਸਦੀ ਜੋ ਸਪੀਡ ਹੈ ਉਹ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇਨ ਦ ਰੇਟ ਆਫ। ਹਾਂਜੀ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਅਗਰ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਅਗਰ ਮੇਰਾ ਸਿੰਪਲ ਜਿਹੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਬਹੁਤੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਕਨਫਿਊਜ਼ ਹੋਣਗੇ ਇੱਥੇ ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਗਿਵਨ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਮੈਨੂੰ ਗਿਵਨ ਹੈ 15 ਮੀਟਰ ਪਰ ਸੈਕਿੰਡ ਸਕੁਅਰ ਮੀਨਸ ਐਕਸਲਰੇਸ਼ਨ। ਕੀ ਗਿਵਨ ਹੈ ਕੀ ਨਹੀਂ ਗਿਵਨ ਪੂਰੀ ਲਾਈਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰਾ ਪੜਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੀਟਰ ਪਰ ਸੈਕਿੰਡ ਸਕੁਅਰ ਐਕਸਲਰੇਸ਼ਨ ਦੈਟਸ ਇਟ। ਨਾਓ ਹਾਊ ਮਚ ਟਾਈਮ ਡਜ਼ ਇਟ ਟੇਕ ਟੂ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਇਟਸ ਸਪੀਡ ਫਰੋਮ ਦਿਸ ਟੂ ਦਿਸ। ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿੰਨਾ ਉਸਨੂੰ ਟਾਈਮ ਲੱਗਦਾ ਦੈਟਸ ਮੀਨ ਟਾਈਮ ਮੈਨੇ ਕੀ ਕਰਨਾ ਫਾਈਨ ਕਰਨਾ। ਠੀਕ ਹੈ। ਉਸਦੀ ਸਪੀਡ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਕੀ ਤੋਂ 100 ਤੋਂ ਮਤਲਬ 100 ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੀ ਹੈ ਇਨੀਸ਼ੀਅਲ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਹੈ ਔਰ 160 ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੀ ਹੈ ਫਾਈਨਲ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਹੈ। ਕਲੀਅਰ ਇਜ਼ ਇਟ। ਕਲੀਅਰ। ਹੁਣ ਅਗਰ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਮੈਨੂੰ ਕਲੀਅਰ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਡਿਸਟੈਂਸ ਦੀ ਦੂਰ ਦੂਰ ਤੱਕ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਔਰ ਬਿਨਾਂ ਡਿਸਟੈਂਸ ਤੋਂ ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਬਹੁਤ ਈਜ਼ੀ ਜਾਂ ਫਸਟ ਫਾਰਮੂਲਾ ਹੈ ਜੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਖਿਆ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ 160। ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੈਲਕੂਲੇਸ਼ਨ ਕਿਵੇਂ ਕਰੋਗੇ 160 ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ 100 ਪਲੱਸ ਪੂਰਾ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਨੂੰ ਫਿਲ ਕਰੋ। ਠੀਕ ਹੈ। ਫਿਰ ਇਸ ਨੂੰ ਇਕੱਲਾ ਇਕੱਲਾ ਸਟੈਪ ਕਰਕੇ ਸੋਲਵ ਕਰੋ ਕੋਈ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਫਾਈਨਲ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਕਿੰਨੀ ਹੈ 160 ਇਹਨੇ ਇੱਧਰ ਆ ਕੇ ਕਿਹਦਾ ਹੋ ਜਾਣਾ ਮਾਈਨਸ ਦਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸਨੂੰ ਮਾਈਨਸ ਕਰ ਦੋ 60 ਆ ਗਿਆ। 60 ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਰ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਟਾਈਮ ਮੈਨੇ ਫਾਈਂਡ ਕਰਨਾ ਐਕਸਲਰੇਸ਼ਨ ਇੱਧਰ ਆ ਕੇ ਕਿਹਦੀ ਹੋਏਗੀ ਡਿਵਾਈਡ ਦੀ 15 ਨੂੰ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰਤਾ ਮਤਲਬ ਟੀ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕਿੰਨੀ ਆ ਗਈ 4 ਸੈਕਿੰਡ ਆ ਗਈ। ਸੋ ਸੀ ਆਪਸ਼ਨ ਮੇਰਾ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਰਾਈਟ ਆਪਸ਼ਨ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਇਜ਼ ਮਾਈ ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ। ਕਲੀਅਰ। ਕਲੀਅਰ। ਚਲੀਏ ਅੱਗੇ। ਸੋ 7th ਕੁਐਸਚਨ ਆਪਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। 7th ਕੁਐਸਚਨ ਕੀ ਹੈ 7th ਕੁਐਸਚਨ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਜੋ 7th ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਉਹ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੀ ਹੈ ਅ ਕਾਰ ਇਜ਼ ਟਰੈਵਲਿੰਗ ਨਾਰਥ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਕਾਰ ਜੋ ਹੈ ਨਾਰਥ ਵੱਲ ਅਗਰ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਨਾਰਥ ਇਸ ਦੀ ਇਹ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਆਪਣੀ ਨਾਰਥ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਦਿਸ ਇਜ਼ ਈਸਟ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਵੈਸਟ ਔਰ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਸਾਊਥ। ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਇੰਨੇ ਮੀਟਰ ਪਰ ਸੈਕਿੰਡ ਹੈ 12 ਸੈਕਿੰਡ ਦੇ ਬਾਅਦ ਇੰਨੇ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਮਤਲਬ ਇਨੀਸ਼ੀਅਲ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਕਿੰਨੀ ਹੋ ਗਈ 17.77 ਮੀਟਰ ਪਰ ਸੈਕਿੰਡ। 12 ਸੈਕਿੰਡ ਦੇ ਬਾਅਦ ਮਤਲਬ ਟਾਈਮ ਕਿੰਨਾ ਹੋ ਗਿਆ 12 ਸੈਕਿੰਡ ਕਿੰਨੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ 14.1 ਮਤਲਬ ਫਾਈਨਲ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕਿੰਨੀ ਹੈ 14.1। ਚਲੋ ਕਲੀਅਰ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਗਰ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਫਾਈਂਡ ਦਾ ਮੈਗਨੀਟਿਊਡ ਐਂਡ ਦਾ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਆਫ ਦਾ ਕਾਰਸ ਐਵਰੇਜ ਐਕਸਲਰੇਸ਼ਨ। ਐਕਸਲਰੇਸ਼ਨ ਮੈਨੇ ਕੀ ਕਰਨੀ ਹੈ ਫਾਈਂਡ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਸੋ ਐਕਸਲਰੇਸ਼ਨ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ ਫਾਈਂਡ ਕਰਾਂਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਦੇਖੋ ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੀ ਗਿਵਨ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਸਟੈਂਸ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਹੈ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਕੌਣ ਸਾ ਲਗਾਵਾਂਗੇ ਦਿਸ ਵਨ। ਨਾਓ ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਫਾਈਨਲ ਕਿੰਨੀ ਸੀ 14.1। ਠੀਕ ਹੈ। ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਮੇਰੇ ਕੋਲ 17.7 ਸੀ। ਐਕਸਲਰੇਸ਼ਨ ਮੈਨੇ ਫਾਈਂਡ ਕਰਨੀ ਸੀ। ਟਾਈਮ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕਿੰਨਾ ਸੀ 12 ਸੀ। ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਇੱਧਰ ਆ ਕੇ ਕਿਹਦਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਮਾਈਨਸ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਔਰ ਮਾਈਨਸ ਕਰਕੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਜੋ ਸਾਈਨ ਹੈ ਉਹ ਕਿਹਦਾ ਹੋਏਗਾ ਨੈਗੇਟਿਵ ਹੋਏਗਾ। ਸੋ ਮੇਰੇ ਕੋਲ 3.6 ਆ ਜਾਏਗਾ। ਸੋਲਵ ਕਰਕੇ ਕਲੀਅਰਲੀ ਮੈਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ। ਠੀਕ ਹੈ। ਔਰ ਉਸਨੂੰ ਡਿਵਾਈਡ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ 12 ਨਾਲ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਇਸਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਦੈਨ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਐਕਸਲਰੇਸ਼ਨ ਕਿੰਨੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਮਾਈਨਸ 0.3 ਮੀਟਰ ਪਰ ਸੈਕਿੰਡ ਸਕੁਅਰ। ਮਤਲਬ ਜੋ ਬੀ ਆਪਸ਼ਨ ਹੈ ਇਹ ਮੇਰਾ ਆਨਸਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੋ ਡੀ ਆਪਸ਼ਨ ਹੈ ਇਹ ਮੇਰਾ ਆਨਸਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੇਰਾ ਏ ਜਾਂ ਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਇੱਕ ਆਨਸਰ ਹੋਏਗਾ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਜੋ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਨਸਰ ਆਇਆ ਉਹ ਆਇਆ 0.3 ਮੀਟਰ ਪਰ ਸੈਕਿੰਡ ਸਕੁਅਰ ਨੈਗੇਟਿਵ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਦਿਸ ਇਜ਼ ਮਾਈ ਨੈਗੇਟਿਵ ਐਕਸਲਰੇਸ਼ਨ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਨੈਗੇਟਿਵ ਆਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਗਿਵਨ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਨੌਰਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ। ਅਗਰ ਇਹ ਨੌਰਥ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਦੈਟਸ ਮੀਨ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ। ਨੌਰਥ ਤੋਂ ਆਪੋਜ਼ਿਟ ਕਿਹੜੀ ਹੈ ਸਾਊਥ ਹੈ ਨਾ। ਆਪੋਜ਼ਿਟ ਕਿਉਂ ਲੈ ਰਹੀ ਹਾਂ ਮੈਂ ਕਿਉਂਕਿ ਨੈਗੇਟਿਵ ਆ ਗਿਆ।
अगर मेरे को साइन नेगेटिव आ गया देन कॉमन जी चीज है ना कि जो डायरेक्शन है ऑपोजिट होगी होगी, और नॉर्थ तो ऑपोजिट डायरेक्शन केड़ी है इस टाइम, साउथ ही है ना, सो ए ऑप्शन मेरा राइट होएगा, सो ए इज माई राइट आंसर। समझ रहे हो इस चीज नू किस तरीके नाल आपां जो डायरेक्शन ने उन्होंने ध्यान च रखना है। अगर मेरे को आंसर पॉजिटिव दे विच आंदा दैट्स मीन मेरी डायरेक्शन केड़ी होनी सी नॉर्थ होनी सी, हुण मेरे को जो आंसर है वो किदे विच आया नेगेटिव दे विच आया, डायरेक्शन की होगी ऑपोजिट होगी और नॉर्थ की ऑपोजिट डायरेक्शन मैंने क्लियरली नजर आ रही है की हुंदी है साउथ हुंदी है। इज दैट क्लियर? ठीक है जी, अगे चलिए एट्थ क्वेश्चन देखिए अपना। एट्थ क्वेश्चन तुहाडे सामने है, एट्थ क्वेश्चन की है विच ऑफ द फॉलोइंग कैन समथिंग समटाइम्स बी जीरो, कहने इन्होंने विचों केड़ा है जो अगर जीरो हो सकता है फॉर अ अगर गल की जाए मूविंग बॉडी, कहने जो एक बॉडी मूव कर रही है एवरेज वेलोसिटी डिस्टेंस एवरेज स्पीड या डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, हुन देखो एवरेज वेलोसिटी जीरो हो सकती है, डिस्टेंस ट्रेवल जीरो हो सकता है, एवरेज स्पीड जीरो हो सकती है, डिस्प्लेसमेंट जीरो हो सकती है। तो ये तो मेरे ख्याल से मैं तुहानू दस्या सी कि यस जो डिस्प्लेसमेंट है वो जीरो हो सकती है। अगर एक पर्सन घूम फिर के वापस इसे जगह ते आ रहा है तो डिस्टेंस हो सकता है ये पूरा होगा, बट जो डिस्प्लेसमेंट है वो अपने को की हुंदा है कि जेडे पॉइंट तो उसने स्टार्ट किता है माइनस जेडे पॉइंट तो उसने अपना जो डिस्टेंस है वो कवर किता है। सो अगर वापस घूम फिर के उत्थे ही आ रहा है सो डिस्प्लेसमेंट मेरे को की होगी जीरो होगी। क्यों होगी? क्योंकि डिस्प्लेसमेंट का मतलब की हुंदा है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का मतलब की हो गया कि बिल्कुल छोटे तो छोटा डिस्टेंस अगर मैं वापस घूम फिर के अपने ही घरे आ रही हूँ तो मतलब मेरा जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस हो गया वो की हो गया जीरो, कि मैंने कितने जाने की जरूरत ही नहीं सी। ठीक है, अगर मैं वापस उठे गई हूँ सो मेरे को सी फोर्थ तो बिल्कुल मेरे को होगा ही होगा। ठीक है, हुण इहदे नाल तुसीं अगर इत्थे मैं तुहानू दो मैथड्स दस्सदी हां, आपां कल्ली कल्ली ऑप्शन नूं डिस्कस करांगे। हुण देखो तुहानू पता है कि लैट कर लो तुहानू किसे दा नहीं पता, तुहानू फोर्थ दा पता है, तो तुसीं की करोगे कि फोर्थ दा पक्का मेरे को जीरो हो सकदा है। सो इहदे नाल मेरे को ए ऑप्शन और बी ऑप्शन इलीमिनेट होगी, बच जांदे हैं सी और डी। और सी और डी दे विच तुसीं देख रहे हो कि मैनू सिर्फ एक ऑप्शन होर चैक करन दी जरूरत पैनी है वन। तो इस तरीके नाल बहुत ज्यादा जो चांसेस होंदे हैं क्वेश्चन गलत होंदा होंदा भी की हो जा सकदा है सही हो सकदा है अगर तुसी इलिमिनेशन मेथड नू यूज करदे हो। ठीक है, तो हुण तुसी सिर्फ फर्स्ट नू चेक करना है कि जां तां मेरे को सी होएगा जां डी होएगा, फर्स्ट जीरो हो सकदा है या नहीं हो सकदा। तो हुण आपां फर्स्ट नू डिस्कस करदे हां कि एवरेज वेलोसिटी जो है कि वह जीरो हो सकती है या नहीं हो सकती। ठीक है, तो बिल्कुल जो एवरेज वेलोसिटी है ये भी आप प्रीवियस वीडियोस दे विच अ लॉट ऑफ टाइम डिस्कस कर चुके हैं कि एवरेज वेलोसिटी भी की हो सकती है जीरो हो सकती है बड़ी इजीली। सो राइट ऑप्शन अपना इतनी की हो जाता है सी हो जाता है, डी की हो जाएगा रोंग हो जाएगा। बट अगर आप गल करिए डिस्टेंस की तो बेटा जी डिस्टेंस कदे भी की है जीरो नहीं हुंदा। क्यों नहीं हुंदा डिस्टेंस जीरो? क्योंकि अगर डिस्टेंस जीरो हो गया तो उसनु आपा किस नाम नाल जानते हैं? उसनु आपा डिस्प्लेसमेंट दे नाम नाल जानते हैं। और सब तो जो छोटा डिस्टेंस है डिस्टेंस कदे भी नेगेटिव और जीरो नहीं हो सकता। अगर डिस्टेंस पहली गल तो नेगेटिव तो हो ही नहीं सकता, अगर जीरो हो जाता है दैट्स मीन वी आर टॉकिंग अबाउट डिस्प्लेसमेंट, क्योंकि छोटे तो छोटा डिस्टेंस हो गया और वह डिस्प्लेसमेंट होता है। अगर डिस्टेंस जीरो है तो मतलब उसने कुछ कवर ही नहीं किया, अगर उसने कुछ कवर ही नहीं किया फिर वो डिस्टेंस कदा रह गया राइट। सो बी सेकेंड तो नहीं होएगा। ठीक है, एवरेज स्पीड जो है स्पीड भी कदे जीरो नहीं होंगी। ठीक है, अगर वो स्पीड जीरो है दैट्स मीन ओदे विच कोई भी मूवमेंट नहीं हो रही। स्पीड की भी अगर आप गल करिए स्पीड का जो अगर सिंपल शब्दों में थ्योरी दे विच देखिए तो डिस्टेंस ओवर टाइम होंगे, अगर डिस्टेंस जीरो नहीं हो सकता दैट स्पीड भी जीरो नहीं हो सकती। सो थर्ड भी अपना की होगा रोंग होगा। तो कड़िया दो चीजा ने जो जीरो हो सकते हैं इन्होंने फर्स्ट इज एवरेज वेलोसिटी एंड सैकेंड इज डिस्प्लेसमेंट। क्लियर? ठीक है जी, अगे चलिए नाइन्थ क्वेश्चन। जो नाइन्थ क्वेश्चन है वो केड़ा है, काइनामेटिक इक्वेशंस कैन बी यूज्ड व्हेन यू हैव अ कांस्टेंट। कहते केड़ियां आपा जो इक्वेशंस ने उन्होंने पहली गल तो यह क्लियर कर लो कि काइनामेटिक इक्वेशंस केड़ियां होंदियां ने जो आपा इस टाइम बहुत ज्यादा डिस्कस किया। फर्स्ट इज वी इज इक्वल टू यू प्लस एफ टी, सैकेंड इज एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ एफ टी स्क्वेयर, थर्ड इज अपने को थर्ड सी वी स्क्वेयर, सॉरी वी स्क्वेयर वन मिनट,
सॉरी थर्ड मेरे को की सी वी स्क्वायर इज इक्वल टू हाँ जी वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस टू एफ एस ठीक है तो यह मेरे को तीन इक्वेशन ने और इन्हों तीन इक्वेशन के नाम आप जानते हैं आप इन्होंने जानते हैं काइनामेटिक इक्वेशन के नाम दैन कैन वी यूज ठीक है तो बिल्कुल ये कदों यूज होंगे ने जो अपने की हो कॉन्सटेंट होर कॉन्सटेंट की हो पोजिशन विलोसटी एक्सरेशन टाइम तो टाइम कॉन्सटेंट कदे भी नहीं हो सकता अगर तुम कितने भी आज तुम ना तो किसी क्वेश्चन का कुछ पता है ना तो आंसर का पता है तो एक चीज अपने माइंड च रख लो टाइम कदे भी खड़ा नहीं रह सकता टाइम अपने टाइम के चलता रहता है ठीक है ऐसा नहीं कि तुम टाइम को रोक के रख लोगे या टाइम कॉन्सटेंट टाइम जो है कदे भी कॉन्सटेंट नहीं हो सकता सो ये जो मैथड्स ने ये आप गल कर रहे हैं कॉन्सटेंट एक्सरेशन की याद हो भी कल की वीडियो मैं तुम दसिया कि थ्री काइंड होंगे किस दया रेक्टिलीनियर मोशन तो उन्होंने तीनों काइंड जो सब तो पहली सी केड़ी सी यूनिफॉर्म मोशन सैकेंड सी मोशन विद कॉन्सटेंट एक्सरेशन और उसनों ही आप जो सारा कुछ है वो स्टडी कर रहे हैं दैन मोशन विद कॉन्सटेंट एक्सरेशन जो तीनों इक्वेशन ने यूज होंगे ने जिन्होंने आप काइनामेटिक इक्वेशन बोलते हैं ठीक है तो बिल्कुल जो राइट ऑप्शन है इतने की होगा सी होगा सी इज राइट ऑप्शन ठीक है क्लियर अगे आप थोड़ा जा स्टडी कर लिया थोड़ा जा उम्मीद है हूं तक के जो क्वेश्चन किए सारे वास्ते इंपोर्टेंट सी और उन्होंने भी जो टॉपिक है बहुत इंपोर्टेंट है ठीक है और उन्होंने ये जो थोड़ा डाउट्स ने जो किमें किदा की यूज करना है वो सारा क्लीयर हो गया होगा बाकी जो आप एमसीक्यूज करांगे बहुत सारा कुछ थोड़ा क्लीयर हो जाना उदो ठीक है देन डिस्टेंस ट्रैवल इन nth सेकेंड हूं आप डिस्कस करना एक आप कह सकते सब टॉपिक इस पॉइंट है इस सब टॉपिक का ठीक है उस तो बाद अगे वधांगे सारा कुछ ए रिलेट कर करके ही पढ़ने आप तो डिस्टेंस विद nth सेकेंड nth सेकेंड के जो डिस्टेंस है वह किस तरीके आप देखांगे कि जी बिल्कुल हूं अज आप जो अगे डिस्कस करना है वह है डिस्टेंस ट्रैवल इन nth सेकेंड कि nth सेकेंड के कि डिस्टेंस जो है वह ट्रैवल किया जाता है फॉर एग्जाम्पल अगर मैं तुहानू कह कि थर्ड सेकेंड कि डिस्टेंस आप ट्रैवल कर सकते हैं इतने अगर गल की जा रही है थर्ड सेकेंड की तो इतने सिर्फ एक ही सैकेंड की गल हो रही है जो थर्ड है ठीक है अगर मैं पहले तीन सैकेंड के पहले दो सैकेंड्स माइनस कर दां तो जो मेरे को आएगा वह कौन सा सैकेंड होगा थर्ड सैकेंड होगा फॉर एग्जाम्पल सैवन सैकेंड की अगर आप गल करिए अगर मैं पहले सैवन सैकेंड सैवन सैकेंड पहले छे सैकेंड माइनस कर दें दैन मेरे को कौन सा सैकेंड होगा सैवन सैकेंड होगा सिमिलरली अगर मैं nth सैकेंड की गल कर रही हूं तो अगर मैं पहले n सैकेंड पहले n माइनस वन जो सैकेंड ने उन्होंने माइनस कर दा दैन मेरे को कौन सा सैकेंड होगा nth सैकेंड होगा इज दैट क्लीयर समझ रहे हो इस चीज नू कि nth सैकेंड का मतलब की है nth सैकेंड का मतलब है कि पहले n सैकेंड पहले n माइनस वन सैकेंड सबट्रैक्ट कर देना हूं अगर आप गल करिए पहले n सैकेंड्स केड़े होंगे है एन सैकेंड्स अगर मैं कह कि मेरे को अगर सिंपल शब्द देखा जाए तो मेरे को पहले एन सैकेंड्स केड़े होंगे एस एन ठीक है आप ये कह सकते हैं कि यू एन प्लस हाफ एफ एन टी स्क्वेयर सॉरी टी एन स्क्वेयर ये चीज मैं किवें लिख रही हूं देखो जो मेरे को हुनी हुनी फॉर्मूला सीगा आपां इत्थे बहुत काफी स्टडी किया कि जो डिस्टेंस हुंदा है वह मेरे को हुंदा है यू टी प्लस हाफ एफ टी स्क्वेयर हुंदा हुण इत्थे जो मेरे को टी दी वैल्यू है वो मेरे को टी की वैल्यू है और मेरे को की है एन है तो मतलब मेरे को पहले एन सैकेंड्स की होंगे यू एन प्लस हाफ एन टी स्क्वेयर होंगे ठीक है इस चीज ना आप देख लेने चंगी तरह हाँ जी तो मेरे को किस तरीके नाल होएगा अगर मैं गल करा कि मेरे को nth सेकेंड जो है वो होएगा मेरे को एन सैकेंड्स माइनस एन माइनस वन सैकेंड्स और अगर मैं गल करा एन सैकेंड्स मेरे को की है एन सैकेंड्स मेरे को की है मेरे को है यू एन प्लस हाफ एफ एन स्क्वेयर और अगर मैं गल करा मेरे को एन माइनस वन सैकेंड्स की ने तो मेरे को होंगे यू एन माइनस वन प्लस हाफ एफ एन माइनस वन स्क्वेयर सिमिलर ठीक है कोई डिफरेंस नहीं है इन्होंने दोनों के बीच ठीक है हुण अगर मैं इन्होंने दोनों का माइनस कर दी इन्होंने दोनों का मैं माइनस करांगी तो मेरे को की होगा एस एन माइनस वन तो मेरे को की आ जाएगा यू एन प्लस हाफ एफ टी स्क्वेयर एफ एन स्क्वेयर सॉरी माइनस ए मैंने करना है यू एन माइनस वन बिकॉज ऑफ माइनस मेरे को ए वाला जो पॉजिटिव साइन है वह भी की हो जाएगा
नैगेटिव हो जाएगा तो इतने मेरे को ए चीज बन के आ जाएगी सामने। ठीक है, हुण इन्हां दोनों दे विचों मैं यू कॉमन निकाल सकती हाँ। अगर मैं इन्हां दोनों दे विचों यू कॉमन निकाल रही हाँ दैन मेरे को बन जाता है एन माइनस एन प्लस वन, एन नाल एन कैंसल, मतलब मेरे को बन जाता है यू। क्लियर, और इन्हां दोनों दे विचों मैं की कॉमन निकाल सकती हाँ, इन्हां दोनों दे विचों मैं कॉमन निकाल सकती हाँ वन बाय टू एफ। ठीक है, और पिछे मेरे को बच जाता है एन माइनस एन माइनस वन का होल स्क्वायर। ठीक है, हुण अगे इसनूं सोल्व कर लैने हां तां बिल्कुल मेरे को इत्थे की बच जाता है एन स्क्वायर। हुण देखो एन माइनस वन का होल स्क्वायर जब मैं खोलांगी तां मेरे को बन जाएगा एन स्क्वायर माइनस वन प्लस टू एन। ठीक है जी, और एन स्क्वायर नाल एन स्क्वायर कैंसल हो गया, मतलब जो मेरे को एंथ सेकेंड है, जो मेरे को एंथ सेकेंड इत्थे है वह मेरे को की होएगा, वह मेरे को होएगा यू प्लस हाफ एफ टू एन माइनस वन। ए जो मेरे को फॉर्मूला है, ए मेरे को इसका फॉर्मूला है, एंथ सेकेंड का फॉर्मूला है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है और इस दे नाल जो काफी क्वेश्चंस ने वो आप डिस्कस करांगे। ठीक है, इस स्लाइड दे तुसीं शॉर्ट स्क्रीनशॉट ले सकते हो जो किदा भी। ठीक है, तो एक इंपॉर्टेंट फॉर्मूला तुहाडे सामने इत्थे भी मैंने लिखा होया, तुसीं देख सकते हो कि यू प्लस इत्थे एक्सेलरेशन हो गया, ए दा मतलब एक्सेलरेशन, तुसीं इत्थे एफ भी लिख सकते हो बाय टू इंटू टू एन माइनस वन। क्लियर, तो इसका मतलब हो गया डिस्टेंस ट्रैवल इन एंथ सेकेंड। हुण एक क्वेश्चन नाल इस पूरे जो मेथड है इसनूं समझ लैनी हां, क्योंकि उस तो बाद जो फर्स्ट सब टॉपिक है कंप्लीट हो जाएगा, उस तो बाद जो अगली वीडियो है उस दे विच जो आपां गल करिए कि कुछ आपां अगे वधांगे। ठीक है, अगे वधांगे मिंटू से कुछ अगले टॉपिक्स नूं डिस्कस करांगे, लाइक फॉर एग्जाम्पल अगर आपां कह सकते हैं विद जो मोशन ने ग्रेविटी दे अंदर हुंदे ने। ठीक है, मोशन अंडर ग्रेविटी, इन्हां टॉपिक्स नूं आपां स्टार्ट करांगे। ठीक है, जिदे विच जी है सब कुछ है वो नैक्सट वीडियो दे विच आपां स्टार्ट करांगे, अज दे नाल इह जो कंप्लीट करके जावांगे। हुण देखो इहदे विच की आ, बॉडी स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट, रेस्ट तो स्टार्ट हो रही है, दैट्स मीन मेरे को इनिशियल वेलोसिटी की होगी जीरो होगी, हैज एन एक्सेलरेशन ऑफ 20 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। एक्सेलरेशन भी मैंने दे दीती है, कितनी दे दीती है 20 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, उसके बाद गल की जाए द डिस्टेंस ट्रैवल बाय इट इन 6th सेकंड। हुण इत्थे 6 सेकंड की गल नहीं की गई, इत्थे 6th सेकंड की गल की गई है, वह एक सेकंड जो 6th आप कह सकते सिक्स पोजिशन आप बोल सकते हैं। ठीक है, कि 6th सेकंड उसने कितना डिस्टेंस जो है ट्रैवल किया होगा, तो बिल्कुल जो मैंने इतने किसी पर्टिकुलर सेकंड की गल की जा रही है, एंथ सेकंड की गल की जा रही है, डिस्टेंस ट्रैवल इन एंथ सेकंड, एक सेकंड वो 6th भी हो सकता है, 7th भी हो सकता है, 11th भी हो सकता है, किनवा भी हो सकता है। देन उत्थे जो मैं मैथड अपलाई करांगी वह मेरे को होगा, इतने मैं एस 6th फाइंड कर रही हूं, मतलब 6th सेकंड कि होगा यू प्लस हाफ एफ टू एन माइनस वन। तो बिल्कुल इस वैल्यूज पुट कर दें, इनिशियल वेलोसिटी मेरे को कितनी है जीरो, प्लस हाफ एक्सेलरेशन मेरे को कितनी है 20, टू इतने मेरे को एन की वैल्यू कितनी है 6, क्योंकि 6th सेकंड की गल हो रही है, तो बिल्कुल जो इस सोल्व करेंगे तो कि आ जाएगा 10 इंटू 11 विच इज 110 मीटर, मतलब कितना डिस्टेंस मैं इतने सोल्व कर रही हूं, सी ऑप्शन मेरे को राइट ऑप्शन हो जाएगा, 110 मीटर मेरे को की होगा आंसर होगा। ठीक है, देखो कितना सिंपल जहा क्वेश्चन है। ठीक है, हुण ए सिंपल जो क्वेश्चन इजीली हो सकता है अगर आपां नूं इस चीज बारे नॉलेज है, अगर आपां नूं नॉलेज है किदे बारे, डिस्टेंस ट्रैवल इन एंथ सेकंड बारे। ठीक है, कि एंथ सेकंड लई आपां कौन सा फॉर्मूला यूज करना है, इत्थे टी दी, इत्थे मोस्टली स्टूडेंट्स पता की कन्फ्यूजन कर जांदे आ कि टी दी वैल्यू 6 लै लैंदे आ, देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन, अगर मैं तुहानूं कहां कि किन्ना उसने 6 सेकंड दे विच कवर किया और 6th सेकंड दे विच किन्ना कवर किया, तो इत्थे एंथ सेकंड दी गल हो रही है, इस तरीके नाल आपां इन्हां नूं सॉल्व करना है। क्लियर, हुण देखो एक जिवें एक होर क्वेश्चन तुहाडे सामने है, एक होर क्वेश्चन की है तुहाडे सामने, अ बॉडी मूविंग विद यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। हुण यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन की गल की गई है, ठीक है, डिस्क्राइब 55 मीटर, कहिंदे 6th सेकंड दे विचों की है 55 मीटर जो डिस्टेंस है वह कवर कर लैंदे आ, मतलब 55 मीटर मैनू की दिता होया डिस्टेंस दिता होया, और एन दी वैल्यू मैनू इत्थे कितनी दिती हुई है 6 दिती हुई है, और एक्सेलरेशन इत्थे मेरे कोल की है यूनिफॉर्म है। ठीक है, और फ्रॉम रेस्ट मतलब इनिशियल वेलोसिटी मेरे कोल की होगी जीरो होगी, हाउ मच डिस्टेंस विल मूव इन 8th सेकेंड, कहिंदे जो 8th सेकेंड होएगा उस दे विच किन्ना डिस्टेंस जो है वह कवर किया जाएगा। हुण देखो एदे विच मैंने अगर 8th सेकेंड फाइंड करना है तो तुसी सोचोगे कि लगा दो फॉर्मूला, अगर फॉर्मूला लगा रहे हैं आप तो मेरे को की आ रहा है यू प्लस हाफ एफ टू एन माइनस वन, इत्थे मैनू एफ चाहिए है, एफ इन्होंने मैनू यूनिफॉर्म किया है, बट एफ की वैल्यू कितनी है वह थोड़ी ना मैनू पता है, वह आप इन्हों की हेल्प नाल फाइंड करांगे। देखो एदे विच अगर मैं गल करा एक्स 6 मैनू कितना गिवन है यू
प्लस हाफ एफ टू एन माइनस वन इहदी वैल्यू किन्नी है मेरे कोल 55 किन्ना डिस्टेंस कवर कर रही है मैं 6 सेकंड दे विच 55 ठीक है इनिशियल वेलोसिटी मेरे कोल किन्नी है 0 हाफ एफ मेरे कोल किन्ना है फाइंड मैंने करना है एम दी वैल्यू मेरे कोल किन्नी है 16 मतलब मेरे कोल इस तरीके नाल आ जाएगा देन 55 मेरे कोल किन्ना आ जाएगा 1/2 एफ इंटू 11 मैंने पता है कि यह किन्ना हो जाएगा 5 हो जाएगा और एक्सेलरेशन की वैल्यू मेरे को कितनी आ जाएगी 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर आ जाएगी क्योंकि मेरे को एक्सेलरेशन की वैल्यू 10 आ गई देन नाउ आई कैन इजीली फाइंड कि 8 सेकंड के विच कितना डिस्टेंस कवर होया सी तो मेरे को कितना होया सी 0 क्योंकि इनिशियल वेलोसिटी मेरे को हले भी कितनी है ठीक है जी समझ रहे हो उस तो बाद कितनी है मेरे को इतनी कितना आ जाएगा 16 माइनस 1 मैंने जो इसे सॉल्व किया तो मेरे को कितना आ गया 15 इंटू 5 मतलब मैंने कितना डिस्टेंस कवर किया देख लो 75 मीटर सो 75 मीटर इतने मेरे को की होएगा राइट आंसर होएगा समझ रहे हो इस तरीके नाल जो क्वेश्चंस ने आपा कर सकते हैं इजीली इसके अलावा इसी पॉइंट दा आपा बोल सकते हैं एक और क्वेश्चन है बहुत इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन है कि जो यही सिंपल गल करिए कि जो एंथ सेकंड्स ने जिवें कि गल की जाए जिवें S1 हो गया जो S2 हो गया जो S3 हो गया अप टू सो एन सेकंड्स दे विच जिन्ना भी डिस्टेंस कवर किया जाता है ये सारे किस दे विच हुंदे है एपी दे विच हुंदे है एपी दे विच किवें हुंदे है उस चीज नूं हुण आपां देख लैंदे आ लेट फॉर एग्जाम्पल कि मैं फर्स्ट सेकंड दे विच किन्ना डिस्टेंस कवर कर रही हां मैं फर्स्ट सेकंड दे विच किन्ना डिस्टेंस कवर कर रही हां लेट इत्थे तुसीं लिख सकदे हो कि डिस्टेंस कवर इन ठीक है फर्स्ट सेकंड लै लो कि फर्स्ट सेकंड दे विच किन्ना डिस्टेंस जो है वह कवर किया जा रहा है तो देखो अगर फर्स्ट सेकंड की गल हो रही है दैन मेरे को होएगा यू इंटू 1 प्लस हाफ एक्सेलरेशन ठीक है और गल की जाए इतने मेरे को हो जाएगा टी स्केयर मतलब 1 स्केयर तो मेरे को कितना आ जाता है यू प्लस हाफ एफ ठीक है हुन अगर उही मैं तुहानू कहां कि सेकंड सेकंड दे विच कितना होएगा मतलब एस टू कितना होएगा तो मेरे को कितना आ जाएगा मेरे को आ जाएगा यू ठीक है हुन इत्थे अगर देखा जाए सॉरी इत्थे ओनली यू होएगा क्योंकि अपने को फॉर्मूला की हुंदा है यू प्लस हाफ एफ टू एन माइनस वन ठीक है तो बिल्कुल इसनों देख लेने हूं यू प्लस हाफ एफ हुन इत्थे टू एन माइनस वन करांगे तो जो टू एन माइनस वन करांगे तो मेरे को कितना आ जाएगा 4 माइनस वन आ जाएगा अगर 4 माइनस वन मेरे को कितना आ जाएगा देन मेरे को इत्थे कितना आ जाएगा 3 हो जाएगा तो सॉरी फॉर दिस तो मेरे को इत्थे कितना आ जाएगा यू प्लस 3/2 एफ ठीक है जी उस तो बाद अगर मैं गल कर रही हूं थर्ड सेकंड की तो थर्ड सेकंड दे विच मेरे को कितना होएगा थर्ड सेकंड दे विच होएगा मेरे को यू प्लस 5/2 एफ तुसी निकाल के देख सकते हो थर्ड सेकंड दे विच कितना होएगा यू प्लस हाफ एफ मेरे को कितना हो जाएगा 3 × 2 = 6 माइनस 1 मतलब 5/2 तुसी इन्हां नूं कितना भी निकाल लो ठीक है अप टू एन तक जाओगे तो सारे मेरे को की बनाएंगे एपी बनाएंगे एपी का मतलब की हुंदा है जो मैं सेकंड इंटरवल दे विचों फर्स्ट नूं माइनस करा तो मेरे को सेम डिस्टेंस जो है वह हर जगह ते मैनू नजर आंदा है एपी का मतलब की हुंदा है कि जो डिफरेंस है इन्हां दोनों का डिफरेंस उस तो बाद इन्हां दोनों का डिफरेंस मेरे को की होएगा सेम होएगा ठीक है तो मेरे कहने का मतलब की है कि nth सेकंड दे विच जो भी मैं निकालना S1 S2 S3 ये सारे किस चीज नूं फॉर्म करते हैं ये सारे फॉर्म करते हैं एपी नूं जो कि एक इंपोर्टेंट क्वेश्चन जो है तुहाडे कोल बन जाता है ठीक है कि बन जाता है कई बार क्वेश्चन के फॉर्म करते हैं एपी जीपी ठीक है तो एक इंपोर्टेंट जी चीज है एपी दे विच होएगा ठीक है जी क्लीयर उम्मीद है सारे कॉन्सेप्ट तुहानू प्रॉपरली क्लीयर हो गए होंगे इस विच अज आपां जो भी डिस्कस किया इहदे नाल जो अपना टॉपिक है वह इत्थे कवर हुंदा है ठीक है और कुछ भी ऐदा का कुछ भी होया एक्स्ट्रा ठीक है तो जरूर उसनों आप देखांगे समझांगे ठीक है और उम्मीद है सारा जो कॉन्सेप्ट है एक्सेलरेशन वेलोसिटी किवें इन्हां दे क्वेश्चंस हैं सारा कुछ तुहानू प्रॉपरली क्लीयर हो गया होएगा ठीक है अगर क्लीयर होया वीडियो पसंद आया तो तुहाडा की करना है तुसीं सब तों पहले तो लाइक करना है शेयर करना है और नाल नाल उसनों सबसक्राइब भी कर लो अगर तुसीं फर्स्ट टाइम आए हो इस चैनल दे उपर ठीक है जी तो अजे बिल्कुल मिलते हैं नैक्सट वीडियो दे विच एक नवे टॉपिक नूं लैके और टॉपिक केड़ा होएगा मोशन अंडर ग्रेविटी ठीक है तो उसनों कोशिश करांगे जल्दी तो जल्दी आप इस टॉपिक नूं कंप्लीट करके बहुत सारे MCQs इसे स्टार्ट करिए तो क्लीयर करते हैं फिर अज वीडियो नूं ठीक है तो जरूर लाइक शेयर सबसक्राइब करना ना भूलियो थैंक यू